कर दोस्तों, आज इस वीडियो में हम दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे जिसका रिगार्डिंग स्टूडेंट्स का लगातार मैसेज मेरे पास आ रहा है। पहला टॉपिक ये है कि सर, स्टूडेंट लोग पूछ रहे हमारा जो सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था FIUG का, उसका रिजल्ट कब तक आने का चांसेस है। और सेकेंड सवाल उनका है कि जो उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर का रिविजन दिया था, उसका भी रिजल्ट कब तक आने का चांसेस है। देखिए, टेक्निकली अगर हम बात करें तो फॉर्म फिलअप खत्म होने से पहले आपका रिवोल्यूशन का रिजल्ट आना चाहिए था, लेकिन अब तक तो नहीं आया। लेकिन आप लोग उम्मीद लगा सकते हैं कि शायद से इस महीने का एंड तक आपका रिवोल्यूशन का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और जहाँ तक आपका सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट है, आप लोग उम्मीद कर सकते हैं दिसंबर के फर्स्ट पार्ट में आपका रिजल्ट आने का चांसेस है। ठीक है, ऐसा मत सोचिए कि एग्जाम शुरू हो जाएगा, एग्जाम के बीच में रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटी के बाद जब भी रिजल्ट पूरा प्रिपेयर हो जाएगा, वो लोग रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। तो आप लोग उम्मीद कर सकते हैं कि नवंबर का नेक्स्ट वीक तक या फिर नवंबर का लास्ट तक आपको रिवोल्यूशन रिजल्ट मिलने का चांसेस है। और जो आपका सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था, उसका रिजल्ट आपको दिसंबर में ही आने का चांसेस है। तो इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।